भाई आजकल क्या ना मेरी गाड़ी खाली भी रह जा रही है, तो भी मैं आपके संग चाह के भी नहीं जा सकता। भाई जंगल में हो गया टायर पंचर। अब थोड़ा प्लान में चेंज आ गया, अब हम एग्जिट करेंगे भाई भंडार पानी से। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 12:15 और तुम्हारा भाई आज फिर निकल चुका है भाई जबरदस्त जंगल जर्नी में। भाई आज की जर्नी कुछ हटके होने वाली है। आज की जर्नी पहले तो सुन लो प्राइवेट व्हीकल से हो रही है, और दूसरी हो रही है हमारे दो मित्र हैं तिवाड़ी जी और अपने मनीष जी। तो भाई आनंद आने वाला। आज हम भाई रिपीट जा रहे हैं सीतावनी जंगल के अंदर। एक जो सीता माता का मंदिर है वहाँ पे कुछ हमारे मित्र हैं जानने वाले, उनके घर का कुछ फंक्शन चल रहा, मतलब कोई पूजा हवन मेरे ख्याल से बर्तन वगैरह ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ से इनवाइट है भाई। तो इसीलिए मैंने बताया था प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं जा सकते, लोकल का हूँ, लोकल की आईडी है। बगल वाले भैया और पीछे वाले भैया भी ये भी लोकल ही हैं, तो लोकल की आईडी दिखा के हम अपना प्राइवेट व्हीकल ले जा सकते हैं। बाकी देखते हैं गेट पे जाके वो परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, क्या माहौल है आगे जाके पता चलेगा। बट अभी हम चल रहे हैं भाई इस बफर रोड में। ये बफर रोड आपने कम देखी होगी भाई, पवलगढ़ होते हुए जाते हैं ना, बताते हैं जिम कॉर्बेट की बुक बैचलर ऑफ पवलगढ़, बस उसी विलेज को होते हुए निकलेंगे एंट्री गेट पे। यहाँ पे भी जबरदस्त टाइगर दिखता है। इस रोड का भी फील्डिंग करूंगा मैं। इस रोड की अगर भाई लोगों फील्डिंग हो गई ना तो समझ लो तो मैं उसमें टाइगर दिखाऊंगा कभी। उसमें क्या दादी क्या आते हैं, लाइव आते हैं जब उसमें टाइगर दिखाऊंगा इस एरिया में अगर दिख गया कभी। मैं बताने वाला था आपको, अगर मैं भाई कभी अचानक से अगर यूट्यूब में लाइव आ रहा हूँ तो समझ लो सब आ जाना है, क्योंकि कुछ खास चीज दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो इस रोड की भी फील्डिंग चल रही है, लगे एक दो भगत इस पे भी काम चल रहा है, इस पे भी अगर टाइमिंग मैच करने लग गई तो इसे अच्छा करेंगे कुछ आगे जाके। मिलते हैं एंट्री गेट पे समझ लो। ये आपने सीतावनी का एग्जिट, वैसे तो एग्जिट है जो सीतावनी आप सफारी करोगे तो इसका एंट्री होता है टेढ़ा से, समझ रहे हो, रामनगर से। हम हैं अभी एग्जिट की तरफ। जब आप जिसने भी सीतावनी विजिट किया होगा, जो हमारे सब्सक्राइबर, उन्हें पता होगा कि पवलगढ़ एग्जिट पॉइंट है, पर आज हम वहाँ से एंट्री लेंगे, तो मिलते हैं वहाँ पे। तो भाई पहुँच गए पवलगढ़ विलेज। ये सामने छोटा सा विलेज है भाई, इधर से भी एक रोड है गांव में जाने का और एक आगे से भी जहाँ पे आप एग्जिट करते हो। छोटा सा विलेज है, बहुत खूबसूरत, अक्सर आते रहते हैं हम, सफारी ना भी हो तो भी आते रहते हैं इस विलेज में। आज मनीष जी को थमा दिया हमने कैमरा, हमने कहा थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा मनीष जी जीवन में। सामने वही भाई जबरदस्त कोटा बाग पड़ता है इसके आगे, बिल्कुल कभी कोटा बाग भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो लोकल के उन्हें तो सब पता है, पर ये सब कोटा बाग पार्ट कोड़े सब बरसात में जाने का आनंद है। इतने सारे वाटरफॉल्स हैं ना भाई जो बरसात में ऊंचे ऊंचे से गिरते हैं जबरदस्त व्यू के साथ, बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल गए देखो इधर, बहुत रिजॉर्ट है भाई पवलगढ़ में भी, धीरे धीरे इधर भी डेवलप हो गया सारा। भाई पहले मालूम कर लेते हैं सीधे यहाँ पे कि यहाँ से एंट्री का क्या प्रोसेस है। ये है सामने हमारा भाई सीतावनी का ये एग्जिट है, वैसे पूछ लो मनीष जी। एक मिनट भाई थोड़ा सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि बोलेगी मनीष जी सीट बेल्ट लगाओ यार। ओके सर, बोलती रहेगी माना जंगल है भाई। पहुंच चुके हैं, एंट्री हो गई थी। ये देख लो भाई व्यू, सीता माता की जय और बड़ो आगे। और मनीष जी के साथ, मनीष जी कैसे हैं? ऑफरोडिंग नहीं करनी है, ये एक सफारी का ट्रैक है और हमने सारे नियमानुसार कहीं रास्ते में रुकना नहीं है, हमने सीधे अपने मंदिर तक जाना है। मंदिर में जो भी हम दर्शन वगैरह पूजा वगैरह करनी है वो करनी है और उसके बाद लौटना है। पर हाँ जाते हम यारों को अपना व्यू जरूर दिखा सकते हैं, क्यों yes. ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उन्हें लगे कि यार इन्होंने नियमों को तोड़ा है, क्यों। ऑफ रोडिंग के लिए चलेंगे कभी दापका नदी के नीचे उधर, वहाँ बनाएंगे प्रोग्राम कभी यारो सच में। हाँ जिप्सी लेके, इस गाड़ी से नहीं, इस गाड़ी से क्या ऑफ रोडिंग करूँ खुल जाएगी है। और इधर देख लो भाई ये हाथी हल्के छोटे लग रहे हैं मुझे या भैंसे हैं? अरे ले यार भैंसे यारो भैंसे हैं। अरे ये यार जंगलों में जो पवलगढ़ विलेज के लोग हैं तो कुछ एरिया तक उनके ऐसे कैटल आ जाते हैं, इसीलिए जो एरिया के जो आपके किनारे के जो बाघ रहते हैं वो तगड़े रहते हैं, फूड अच्छा मिलता है ना उन्हें, क्यों मनीष जी। जंगल खूबसूरत है सीतावनी का भी। ट्रैक देख लो भाई सामने, गवर्नमेंट ने ट्रैक तो अच्छा कर दिया मेरे ख्याल से। सफारी की गाड़ियाँ आती है ना, तो पहले लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा, आपने पिछला एक ब्लॉग देखा होगा मैं आया हुआ था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था।
गाड़ी ले जाने में ही। अभी तो रोड मुझे थोड़ा सही लग रहा है। इसके पीछे वाले पार्ट में भाई रिवर है, डाबका रिवर। साइटिंग के भी चांस यहाँ पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं दिखता। और इस टाइम में क्या, अभी तो कोई गाड़ी वाला टाइम भी नहीं है। बाघ को पता होगा कि सफारी वाला टाइम नहीं है, कहने का मतलब ना, अभी तो पानी के लिए मूव करके क्या पता कहीं मिल जाए पानी वानी के पास, उस टाइम पर हम रुक सकते हैं। पर ऐसे नहीं कि आप रुके हो उतरे हो, ऐसा लोकल वाला कुछ टूरिस्ट को फील करा रहे, ऐसा नहीं करना। इधर भी वाटर बॉडी बना रखी इन लोगों ने, सही है। पर इधर रिवर है और लोगों की जो है गाय भैंस दिख रहे हैं गांव वालों के। इधर रास्ता अच्छा बना दिया, पहले उस तरफ से था इसका रास्ता, अभी उन्होंने पहाड़ के किनारे किनारे ना बेहतरीन रास्ता बना दिया। लास्ट टाइम से तो कई हद तक सुधार है इसमें। सामने सांबड़ी दिख रहा है, ये है जैकॉल, जैकॉल और सांबर दोनों है इधर भाई। जानवर का मूवमेंट तो पक्का होगा पानी की तरफ, इस एरिया में नहीं ना, क्यों गांव वाले भी आते रहते हैं ना इस रोड पे यार। अब यहाँ से भाई गेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ाई। काल मूवी में जो दिखाया हुआ है ना अधिकतर वो इधर ही का फॉरेस्ट दिखाया हुआ है। काला का तो खाली ग्रासलैंड है, क्यों मज़ा आया था यार ऐसा फॉरेस्ट ना भाई। सिर्फ आप अगर आप सीतामढ़ी आते हो या डिकाला जाते हो तो ही मिलेंगे आपको सीधे ऐसी ट्रैक और सीधी रोड, और जोनों में कम है, या फिर बिजरानी में भी मिल सकता है, ये चिरना में ऐसा नहीं मिलेगा। चिरना में साल मिलता है जाता है, तो कुछ एरिया है वहाँ पर। ये भी रोड एक फायर लाइन जा रही फॉरेस्ट की। एलिफेंट साइटिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है इस चीज़ एरिया में, अभी चल रहा है समझ रहे हैं। हाथी का ये हाथी गलियार कहते हैं इसे, हाथी का एरिया हुआ है पूरा। यहाँ मिलता था डेढ़ दांत वाला हाथी ना मनीष जी, पहले उसका बड़ा रोल था भाई यहाँ पर। हाँ बड़ा तगड़ा यार वो डेढ़ दांत वाला, उसने तो लोग भी मारे थे यहाँ पे, गाँव की लेडीज़ भी मारी थी भाई। जंगल के अंदर मैं एक जगह और जाने वाला हूँ, आपको कराऊंगा कुछ दिनों बाद एक्सप्लोर। में यहाँ पर बाइक लेके जाना पड़ता है, पता है बाइक लेके जाओगे आप पर ले जाएंगे। इसी ट्रैक में है अंदर मोटेश्वर करके एक जगह पड़ती है, महादेव का मंदिर है। तो भाई अपने सब्सक्राइबरों को दिखाएंगे यारों को अपने। लास्ट टाइम जब मैं आया था इधर तो मुझे कॉल वगैरह मिल गई थी इस वाले पार्ट पे। अच्छा। तो मिला ना, टाइगर के पंजे भी मिले हमें ज़बरदस्त। उस साइड से आओगे ना ना, इधर ही से गए थे हम, जा तक तो नहीं थे, आ तक तो पंजे मिले और यहाँ पे से कॉल हो रही थी, हम खड़े रहे फिर मिला नहीं, जाए देते रुकना भी सही था। हम निकल गए हैं, सागवान का जंगल है इधर भाई। क्या व्यू आ रहा है देखो साल के पेड़ों का भाई, ऐसा ज़बरदस्त व्यू आता है ना कि मतलब हर जगह मन करता है कि कैमरा चालू रखूँ। नेचुरल ही होता है, क्यों जो चीज़ कुदरत ने जो भेजा है वो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो यहाँ लगा है सागवान हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, पाइन हो गया, इसने पूरा ख़त्म कर रखा है। क्यों प्रकृति से छेड़छाड़ तो भाई अपने लिए नुकसान होगा। अभी जंगल की आवाज़ें सुनो, बर्ड चिल्ला रही है, यही तो आनंद है। अपनी बात तो हम बाहर घर बैठे भी कर सकते हैं। कई सारी वाटर बॉडियाँ बना दी यहाँ पर, ऐसे गवर्नमेंट ने आज तक देखा हमने बहुत सारी वाटर बॉडियाँ भाई। पर मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, बहुत सारी। मुझे लग रहा है कि शादी वादी का प्रोग्राम है ना, शादी का प्रोग्राम है इनका कुछ।
तो हम भी अपना वाहन कहीं इधर ही लगा लें छाया में, ये हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है। कोई बात नहीं सर, वो सामने लगा देंगे हम पार्किंग। वहाँ पे जब इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि वो पार्किंग है, ये टूरिज्म एरिया है ना, हमने अपने लोकल होने के अब वो नहीं दिखाना है। क्यों नहीं, जैसे लोकल तो नहीं दिखाएंगे। हाँ ये सही पकड़े ना आप, इधर से हम अपना पार्किंग लगाते हैं। इतनी बड़ी पार्किंग का बोर्ड लगा है गवर्नमेंट ने, पार्किंग बनाई है तो उसको मानेंगे, यहाँ लगाएंगे तो। भाई निकल पड़े हैं सीता माता के मंदिर की ओर। मनीष जी भी गाड़ी इधर पार्क कर दी है अपना मस्त तरीके से। लोकल के लोग काफ़ी आए हुए हैं भाई, इसलिए प्राइवेट व्हीकल लोकल के लोगों का ही है। भाई आनंद आ जाएगा अब तो, थोड़ा आज सही टाइम पे आ गए। आज इवनिंग सफारी नहीं थी। और हाँ भाई यारो, ये भी रहता है यार, आप लोग बोलते हो युवराज भाई फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। भाई हर किसी के संग जाने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं मैं जाना नहीं चाहता हूँ भाई। आजकल क्या ना, मेरी गाड़ी खाली भी रह जा रही है तो भी मैं आपके संग चाह के भी नहीं जा सकता, क्योंकि लिमिटेड चक्कर मिलते हैं पता है। एक महीने में 28 चक्कर मिलते हैं लीगली, जो आपकी गाड़ी लगेगी, ये प्रोसेस रहता है भाई। इसीलिए भाई लोगों सॉरी यार, धीरे धीरे सबको मौका देंगे यार, अपने साथ माहौल बनाएंगे जम के। क्यों अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया भाई, प्राचीन मंदिर ये सीताराम, लेबर लगी भाई, काम चल रहा है भाई। ये साइन देख लो आप, आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी टेंपल पे चले जाओगे, ये साइन बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा भाई। इसका मतलब ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंडर में। क्यों मनीष जी? और ये सीधे केंद्र सरकार से भाई। ये है भाई मंदिर, हर हर महादेव। आइए मनीष जी, जय हो जय हो गुरु। शादी है मुझे लग रहा है मनीष जी, या कुछ है बचपन है जनेऊ है, जनेऊ भाई, जनेऊ प्रोग्राम चल रहा है इधर, तब तक हम आपको दिखाएं भाई सीता माता का कुंड। तुम क्या खोज रहे हो, क्या खो गया? हाँ यस बिल्कुल भाई, जनेऊ संस्कार हो रहा है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। थोड़ी देर यहीं बैठ के आनंद लेंगे। हाँ हाँ सीताराम सीताराम, यही जगह अच्छी लगती है भाई अपने को तो, खाली टाइम में क्या आनंद है। वो चारों तरफ फॉरेस्ट है भाई, और लोग थोड़े ज़्यादा हैं अभी, क्योंकि मैंने बताया ना लोकल विलेजेस काफ़ी मानते हैं। ये वाला जो मंदिर है जो सेकंड वाला, वो पुराना, ये बात क्या है, इसलिए वीडियो में बताया था मैंने। कभी स्टे का बनाएंगे यहाँ पे, नाइट स्टे का ना, परमिशन लेके कुछ ऐसा, फिर करेंगे आपको दिखाएंगे जंगल रात में अंदर से। क्या सुकून है भाई यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है, लोग इतने बोल रहे हैं फिर भी जंगल इतना शांत है कि सब लोगों के बोलने को मैनेज कर ले रहे हैं। तो ये कृपा है, देखो आते ही जनाबत मिल गया। बोले क्या हाल है, क्या नाम है तेरा? शुभम अधिकारी। शुभम जी कैसे हैं आप? अच्छे। सीताराम भाई, सीता माता के दर्शन करके निकल चुके हैं। अब थोड़ा प्लान में चेंज आ गया, अब हम एग्जिट करेंगे भाई भंडार पानी से। वहाँ से हमने जाना है थोड़ा और ऊपर पाटकोट विलेज, फिर भाई रामपुर होते हुए तिगड़िया होते हुए निकलेंगे सीधे कोटाबाग। आनंद आएगा आज की जर्नी में भाई। ये भी बहुत पुराना टेम्पल है भाई, उधर है सीता माता का मंदिर, अभी ऊपर है ना। मनीष जी ठीक लगा, फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ जी। बड़ा आनंद आया? चलो यार बढ़िया भाई, पहुंच गए गाड़ी पे, निकलते इसमें बैटरी भी कम है यार, थोड़े देर दरवाजे खोल ही दो इतने। हाँ अब निकलेंगे भंडार पानी को, थोड़ा भाई गोप्रो चार्ज कर लेता हूँ यारो। भाई जंगल में हो गया टायर पंचर, कोई दिक्कत नहीं, साथ के भाई लोग अभी निकल रहे हैं, दोनों गाड़ियों ने साथ ही उसे लगे हैं अभी करने में, रेस्क्यू करा जा रहा है भाई, टायर वायर चेंज किया जा रहा है। पीपी भाई अनुभवी है, तुरंत लग गए अपना, हो भी गया, हो जाता है भाई जंगल में, थोड़ा मैं तब तक गोप्रो चार्ज कर दूँ भाई। गाड़ी को कर लिया रेस्क्यू और निकल पड़े हैं आगे की तरफ। अब
यही चीज तो करी जाती है, और क्या किया जाता है। इधर है फुल ऑफ रोड, आनंद तो ऐसी रोड होगा। अरे यार भाई, हम बोले ना सीताबनी वाला जो सफारी वाला ट्रैक, हम इसी पे चलते थे पहले। भाई पूरा ब्लैकबेरी है, जामुन के पेड़ हैं अगल बगल। भाई ऑल्टो तो हर जगह सक्सेस है क्या? जहाँ कुछ गाड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ ऑल्टो जाती। वैसे भी पर ये तो इतना भी ऑफ रोड नहीं है। भाई सफारी की भी गाड़ी आने लगी है, पर हमें अचानक निकलना पड़ा इधर से। भाई नहीं तो हम उधर ही से निकलने वाले थे। सफारी की टाइमिंग से लगभग लगभग पहले अपनी पर्ची दिखाता है और अपना निकलता है। क्या आप पीछे वाले हमें नहीं पहचान रहे हो? पहचान रहे, कहाँ आज कल हम चल रहे अंदर ही कॉर्बेट में। नमस्कार कहना बद्दा से। निकल चुके थे यार भाई, सफारी से पहले निकलना जरूरी था यार, थोड़ा सही नहीं लगता ना, क्योंकि वो गाड़ियों को भी लगेगा लोकल की गाड़ियाँ कैसे, तो इसलिए हम उनकी एंट्री से लगभग लगभग पहले निकल ही गए। कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, दो चार गाड़ियाँ जा भी चुकी थी। भाई मनीष जी क्यों सही किया ना हमने, निकल चुके हैं भाई। अब जा रहे हैं विलेज पाटकोट से ऊपर, जबरदस्त व्यू है वहाँ का भी दिखाएंगे आपको आज। मतलब शाम तक जर्नी हमारी जंगल की रहने वाली है। ये वाली मूर्ति को देख के मरीज जी मुझे किस्सा याद आ गया। ये अंबेडकर की मूर्ति लगी ना यार यहाँ पे। तो भाई जो पहले हम आते थे सीताबनी ग्रुप भी चलते थे कॉपरेट ना, ये जो कुछ ऐसे वेस्टीज सेफ शॉप जिसमें कुछ होता कि कई सारे वो मतलब जुड़ते हैं आपस में, इनके साथ साथ और सारी कंपनियां आती थी। मतलब वही कंपनी का ग्रुप था ये मुझे नहीं पता, पर ग्रुप आया हुआ था यहाँ पे। कैंटीन वगैरह सारी, तो ये पीछे लगी है अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे। तो किसी ने पूछा भाई ये किसकी है, तो उन्होंने कहा अरे जिम कॉर्बेट है। तो लोग वहाँ आके फोटो खिंचवाने लग गए। मैंने बड़ा देर हो गया, मैंने क्या मामला चल रहा है यार, मैंने क्या पूछा ना, उन्होंने बोला यार ये कौन थे, हमने इनसे कह दिया जिम कॉर्बेट है, तो ये फोटो खिंचवाने लग गए। बड़ा ज़बरदस्त सीन रहा यार उस दिन भी। भाई बरसात में क्या हाल होता होगा, पानी का फोर्स है। बरसात में भाई इन्हीं पहाड़ों पे आपको ले जाऊंगा, फुल ग्रीनरी रहेगी देख लेना। भाई उस वाले ट्रैक से आए, उसमें गाड़ियाँ चल रही, पहाड़ी कितनी डेंजर लग रही है यहाँ से। व्यू भी बहुत जबरदस्त है। पहुंच गए भाई हम सफारी पे। हाँ ये पहुंच गए, पहले हम बता देते हैं भंडार पानी गेट। भाई दोबारा से ये गाड़ी मुझे लग रहा है जो कोटा रेंज की गाड़ी है ना, वहां से आ रहे हैं सारे। तो
तो भाई आज की जर्नी बड़ी जबरदस्त रही मनीष जी के साथ, जबरदस्त माहौल रहा। शाम हो गई भाई, 6:15 का टाइम हो गया, अब निकल रहे हैं घर को। बहुत आनंद आया मनीष जी, बहुत ज्यादा जी, और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम तो, और ज्यादा आनंद आ रहा है। बस भाई घर वाले ट्रैक पे ही हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।